अगर आपका स्मार्टफोन परचेज करने का बजट थोड़ा सा कम है अंडर टेन थाउजेंड आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अच्छा स्मार्टफोन मिलना अंडर टेन थाउजेंड अभी भी जो मिड रेंज सेगमेंट भी है वो पच्चीस से तीस हजार तक चला गया है पहले अंडर ट्वेंटी थाउजेंड काम मिड रेंज कहते थे अंडर टेन एक एमुलेट डिस्प्ले फुल एच डी वाला पैनल एंड ठीक ठाक जी प्रोसेसर के साथ एक स्मार्टफोन मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ एंड वहाँ पर जो मेन सेंसर है उसका रियर फिफ्टी मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो भी अच्छा काम कर लेता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से फाइव थाउजेंड मिली की बैटरी है ट्वेंटी वॉट का चार्जर मिल जाता है जो कि ऑलमोस्ट तीन घंटे के आसपास लगाता है दो घंटे पैंतालीस मिनट ये थोड़ा सा ज्यादा है बट एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है क्योंकि बहुत बढ़िया यू के साथ आता है एमुलट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन अंडर टेन थाउजेंड इन्फिनिक्स का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा बट वहाँ पर यू आपको डेफिनेटली उसका पसंद नहीं आएगा मैं यहाँ पर मोटरोला के यू के स्टॉक एंड्रॉयड माई यू के बारे में बात कर रहा हूँ एंड मोटोरोला डेफिनेटली लेने वो ओंड करती है बट जो डेटा है जो यूजर डेटा है वो यूएसए सर्वर पर वहाँ पर जा स्टोर होता है तो आपको ये पीस ऑफ माइंड भी रहेगा तो मैं यहाँ पर ये वाला स्मार्टफोन मोटो जी थर्टी वन के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने इसे एक साल पहले रिव्यू किया हुआ था यूज़ किया हुआ था बहुत अच्छा लगा था बट मैंने वो साढ़े तेरह चौदह हज़ार के प्राइस पॉइंट में परचेज़ किया था अभी फ़्लिपकार्ट में आपको ये नौ हज़ार पाँच सौ का मिल जाएगा एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट का जो टाइप कार्ड होता है वो अगर आपके पास है तो वहाँ पर फिर साढ़े चार सौ ऐसा कुछ ऑफ मिल जाएगा तो ऑलमोस्ट नाइन थाउजेंड के प्राइस ब्रैकेट में ले सकते हैं इस प्राइस में अभी एक नया स्मार्टफोन भी आया है ना पोको का जो सी फिफ्टी फाइव एंड वो साढ़े आठ हज़ार के फोर सिक्सटी फोर जी वाला जो वेरिएंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं मोटो का भी एंड पोको का भी तो वो भी का ही मिल रहा था विद द सेम प्रोसेसर बट भाई वहाँ पर आपको एच डी पैनल नहीं मिलता है है पर आपको जो है, पैनल मिल रहा था एच डी प्लस रेजोल्यूशन सेवन ट्वेंटी पी रेजोल्यूशन मिल रहा है एंड माइक्रो यूएस बी पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है हालांकि डिजाइन वगैरह और लेदर फिनिश वगैरह वो सब देखने के लिए मिलता है बट मोटो जी थर्टी वन का भी जो है डिजाइन इतना बेकार नहीं है एंड अगर आप थोड़ा सा बजट जो है बढ़ा सकते हैं आई थिंक मोटो जी फिफ्टी टू भी मिलता है आपको ग्यारह हज़ार का एंड वहाँ पर पी ओ एल एड डिस्प्ले आपको मिल जाता है वहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा मोटो जी थर्टी वन में डुअल स्टीरियो स्पीर्स नहीं है थर्टी थ्री वोट का चार्जर मिलता है फास्ट चार्जर मिल जाता है तो अगर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मोटो जी फिफ्टी टू भी ले सकते हैं मोटो जी थर्टी वन भी अच्छा स्मार्टफोन है जहाँ पर सिक्स पॉइंट फोर थ्री ऐसा कुछ जो है साइज का डिस्प्ले मिल रहा है एंड फुल एच पैनल है एंड एमोलेट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है एंड सरप्राइजिंगली जो मोटो के स्मार्टफोन उस टाइम पे आ रहे थे ना वो मोटे मोटे आ रहे थे मोटो का मोटा फोन आ रहा था बट मोटो जी इतना ज़्यादा मोटा नहीं था ऑलमोस्ट थोड़ा सा पतला ही था एंड जी भी बहुत ज़्यादा पतला स्मार्टफोन देखने के लिए मिल रहा था पूरा प्लास्टिक बिल्ड है बट अच्छा लगेगा सेंटर पंचोल के साथ आपको अच्छा फील दे जाएगा क्योंकि इन हैंड फीलिंग भी अच्छी है एंड हल्का स्मार्टफोन ही था ऑलमोस्ट जो है वन एट्टी वन एटी फोर ग्राम का जो है स्मार्टफोन वो देखने के लिए मिल रहा था इन इनहैंड फीलिंग उसका अच्छा था एंड जो कैमरा जो एरे था वो उस टाइम पे ना सारे मोटो के स्मार्टफोन में सेम आ रहे थे इवन मोटो जी फिफ्टी टू भी अगर देखोगे तो सेम कैमरा एरे के साथ आता था एंड चार्जर मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर ट्वेंटी वॉट का चार्जर था जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था वो टेन वॉट के चार्जर के साथ आ रहा था बट यहाँ पर वो जो है ट्वेंटी वॉट के चार्जर के साथ आया दो घंटे पैंतालीस मिनट बट पाँच फाइव थाउजेंड मिली एमपर्स की बैटरी है वहाँ पर तो बैटरी बैकअप अच्छी थी बट चार्जिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था ये एक है बट अंडर टेन थाउजेंड आप ज़्यादा कम्प्लेन नहीं कर सकते एंड यहाँ पर जो है मीडिया टेक का हिलियो जी एटी फाइव मिल रहा था एंड जी एटी फाइव के साथ क्या है ना मेरा अच्छा रिलेशन है जी एटी फाइव जितना भी मैंने यूज़ किया एक टैब में भी यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी भी रियलमी रियलमी का एक टैब आया था आपको पता है पहला जो टैब आया था तो अच्छा है जब इनिशियल सेटअप करोगे ना मोटो जी थर्टी वन में थोड़ा सा जिटरल लैग देखने के लिए मिलेगा बट आपको सारे जो गूगल के ऐप्स हैं एंड जो भी जो एप्स है आपको पूरा अपडेट करना है उसके बाद जो है अच्छा परफॉर्म कर लेता है उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है एक दिक्कत है स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको दिक्कत आएगा जहाँ पर ये एंड्रॉयड इलेवन के साथ आया था एंड प्रॉमिस किया गया था खाली एक ही अपडेट का तो मोटो का अपडेट बहुत आपको पता है मोटो का हाथ थोड़ा सा तंग है अपडेट के मामले में तो ज़्यादा नहीं है एक साल का ही बोला था तो आई थिंक अभी क्या हाल है मोटो जी थर्टी वन का आई थिंक एंड्रॉयड ट्वेल्व पे होना चाहिए बट एंड्रॉयड थर्टीन कभी नहीं आएगा तो ये एक दिक्कत आएगी आपको एंड दिक्कत नहीं है एंड दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ आप पर आपको ई एम स्टोरेज मिलता है यू एफ स्टोरेज नहीं मिलेगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा बट पबजी वगैरह खेलना चाहते हैं फोर्टी ए का डिसेंट गेमिंग आप कर सकते हैं एंड जो कैमरा है ना फिफ्टी मेगा का बैक में एट मेगा का अल्ट्रा वाइड है एंड वही जो है आपको आ, मैक्रो एट मेगा का सॉरी एट मेगा का जो अल्ट्रा वाइड है उसमें आप वो डेप्थ भी आप मेजर कर सकते हैं तो डेप्थ एंड अल्ट्रा वाइड सेम है एट मेगा पिक्सल का दो मेगा पिक्सल का मैक्रो मिलता है बट हम बात करेंगे फिफ्टी मेगा पिक्सल वाला जो सेंसर है उसके बारे में बात करेंगे फिफ्टीन मेगा पिक्सल वाला जो सेंसर है वो अच्छे जो है पिक्स ले लेता है फ्रंट कैमरा का क्या है थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है थर्टीन मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा है पीछे का थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है जब पोर्ट्रेट्स वगैरह लेंगे अदर देन दैट जो फिफ्टीन मेगा पिक्सल का पीछे का सेंसर है वो अच्छा डिसेंट सेंसर है तो आई थिंक होल पैकेज है यहाँ पर फुल एच पैनल मिल रहा है एमुलट डिस्प्ले मिल रहा है वेट हल्का है अच्छा बैटरी बैकअप मिल जा रहा है डिसेंट प्रोसेसर है अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं अंडर टेन थाउजेंड एक बहुत बढ़िया यू आई मिल रहा है वहाँ पर कस्टमाइजेशन के भी फीचर्स हैं एंड जो है स्क्रीन शॉट वगैरह लेना या जो मोटो के जो जेस्चर्स वगैरह हैं वो तो आपको पता है तो यू आई के मामले में आपको कोई भी चाइनीज़ यू आई जो है इस टाइम पर आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि मोटोला पता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है बट सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हार्ट जो है तंग है तो ज़्यादा अपडेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा बट आई थिंक अंडर टेन थाउजेंड बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है मोटो जी थर्टी वन लेना चाहते थे आ, यही टाइम है अंडर टेन थाउजेंड कोई भी चाइनीज़ ब्रांड को छोड़ के इसे लेना चाहिए आई थिंक ये भी चाइनीज ब्रांड ही है बट डेटा जो है यू सर्वर पर स्टोर होता है क्लीन यू है आपको अच्छा लगेगा मज़ा आएगा ये वाला स्मार्टफोन यूज़ करके क्योंकि एमुलेट एंड फुल एच पैनल देखने के लिए मिलता है तो ये वाला स्मार्टफोन के साथ आप जा सकते हैं यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको नहीं मिलता है हैप्टिक जो आपको पता है गुड़ गुड़ वाला हैप्टिक है देखने के लिए मिलेगा एंड अगर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर चाहिए एंड थोड़ा सा अच्छा फास्ट चार्जिंग चाहिए एंड थोड़ा सा और अच्छा एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो मोटो जी फिफ्टी टू एक हज़ार डेढ़ हज़ार रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा एंड आई थिंक वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है तो ये इतना था इस वीडियो में पसंद आई लाइक कर सकते हैं नहीं पसंद आई दो बार डिसलाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक देखते रहिए